नमस्कार, मैं अनामिका उपाध्याय नेहरू युवा केंद्र कटनी से, और आज मैं किसान की आय दोगुनी करने का जो भारत सरकार का संकल्प है उसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करूंगी। जैसा कि विदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारे दिवंगत राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इसे सार्थक सिद्ध करने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के बचाव के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत अब तक देश भर के 24 लाख लोगों को सुविधा मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत अब तक देश भर की 30,84,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा चुकी है। किसानों का शोषण रोकने तथा उन्हें उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए उन्हें ई नाम योजना से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में 500 से अधिक मंडियां ई नाम योजना में रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। 17 करोड़ से भी ज्यादा किसानों की भूमि का परीक्षण कर उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा रहा है। किसानों का कर्ज माफ कर देना उनकी समस्या का स्थायी प्रावधान नहीं है, बल्कि इस तरह की योजनाओं का संचालन करना उनकी समस्याओं का स्थायी प्रावधान है। अतः मैं इन सब योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी की बीज से बाजार तक योजना का समर्थन करती हूँ।